अवस्था में ऊर्जा की मात्रा कितनी रहेगी उसकी बात करेंगे हम। इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता किशोर अवस्था की लंबाई, शारीरिक भार, क्रियाशीलता, उपापचय की दर के निर्भर करते हैं। किशोरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि किशोरों के शारीरिक भार, लंबाई, उपापचय की दर शारीरिक श्रम की अपेक्षा कम होता है। प्रोटीन प्रत्येक कोशिका की संरचना का भाग होता है, अतः तीव्र को शारीरिक वृद्धि और विकास की दर बनाए रखने के लिए किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। अस्थियों और मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। बालिकाओं में किशोर वय 10 से 12 वर्ष के दौरान प्रारंभ होते हैं, जबकि बालकों में यह अवस्था कुछ देर तक यानी कि 10 से 12 वर्ष के दौरान 14 वर्ष के दौरान प्रारंभ होती है। यह है 10 से 12 वर्ष के दौरान शारीरिक वृद्धि और विकास की दर बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। प्रोटीन की मांग बढ़ने के साथ साथ ही उसकी गुणवत्ता में को भी ध्यान में रखना चाहिए। शारीरिक वृद्धि का विकास के लिए पूर्ण व उत्तम प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, दूध से बने पदार्थ, दही, खोया, पनीर, चीज आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। वनस्पति जगत में प्राणी प्राप्त प्रोटीन को भी भोज्य पदार्थ के संश्लेषण द्वारा भोज्य प्रोटीन बनाया जा सकता है, जैसे कि अनाज दालों के साथ उपयोग करके। वसा है किशोर वय में शहरीकाय बालक में शर्करा वसायुक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि एक पेस्ट्री, पकौड़े, बेकर्स आदि खाना पसंद करते हैं, जिससे कि मोटापे की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय पोषण संस्था में इस अवस्था में दिन भर में ग्रहण किए जाने वाले प्रस्तावित वसा यानी कि घी, तेल कुल मात्रा 25 ग्राम प्रतिदिन प्रस्तावित की गई है। विटामिन किशोर अवस्था में सभी विटामिनों की पर्याप्त मात्रा आवश्यकता होती है। ये प्रस्तावित मात्राएं तालिका और किशोर अवस्था में विटामिन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विटामिन बी समूह थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता के साथ साथ बढ़ती रहती है, क्योंकि ये तीनों विटामिन कार्बोज वसा प्रोटीन से प्राप्त होता है। उपापचय की कम होती, खनिज लवण किशोर अवस्था में विशेष रूप से कैल्शियम और फास्फोरस लोन लवण की आवश्यकता बढ़ जाती है। अस्थियों में वृद्धि और विकास के लिए किशोर वय फास्फोरस की आवश्यकता बढ़ जाती है। बढ़ते हुए शारीरिक भार के साथ साथ तरल द्रव्य रक्त में भी वृद्धि हो जाती है। रक्त की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्त के हेमोग्लोबिन के स्तर में 2 ग्राम 100 मिलीलीटर किशोर में 1 ग्राम से 100 ग्राम किशोरों में बढ़ती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। किशोरों में इस अवस्था में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। इस तरह से हर महीने होने वाले लोह लवण की नुकसान की भरपाई प्रतिदिन भोजन के द्वारा की करनी होती है। किशोरियों में रक्त स्राव होने के बावजूद भी लोह लवण की दैनिक आवश्यकता मात्रा किशोरों की अपेक्षा कम प्रस्तावित की गई है, क्योंकि एक ही किशोरों के शारीरिक भार आकार के किशोरों कम होता है। उस रक्त परिवहन व ऑक्सीजन सेवन के लिए लोह लवण की आवश्यकता होती है। दूसरे किशोरों के लोह भोजन में लोह लवण के अवशोषण की दर किशोरियों की अपेक्षा अधिक होती है। जल किशोर किशोरियों को अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में जल, तरल पदार्थ जैसे दूध, दही, छाछ, फलों का रस, सब्जियों के सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास सेवन जरूर करना चाहिए पानी के। अब यहाँ पे प्रश्न बन के आएगा बच्चों, आपके लिए एक आएगा कि बच्चों के लिए क्या था 6 से 8 गिलास बाल्य अवस्था में, और किशोर अवस्था में क्या कहेगा 8 से 10 गिलास। ठीक है, आहार व्यवस्था उक्त पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किशोर किशोरियों के सभी योग्य भोज्य पदार्थों के विभिन्न भोज्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में सेवन के लिए तालिका 3.2 के अनुसार करना चाहिए। इस अवस्था के लिए आहार आयोजन के लिए में बिंदु पर ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाती है। आहार किशोरमय दौरान होने वाली शारीरिक वृद्धि और विकास की दर प्रस्तावित की गई है, इसमें होते हैं। ठीक है, किशोरों के लिए दैनिक आहार आयोजन 13 से 18 वर्ष के लिए हम बात कर रहे हैं। अनाज की मात्रा 420 आएगा, फिर दालें की मात्रा 60 है, दूध 500 है, कंदमूल 200 है, हरी पत्तेदार 100 है, अन्य 100 है, फल सब्जियां 100 है, 35 शक्कर ग्राम है, और तेल 25 ग्राम है किशोरियों के लिए, किशोर के लिए, और किशोरियों के लिए 300 है अनाज की मात्रा, फिर 2 कटोरी दाल के लिए है, फिर 1/2 किलो दूध है, 100 ग्राम कंदमूल है, 100 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी अन्य सब्जियाँ हैं, फल 100 ग्राम है, एक फल जरूर शक्कर 30 ग्राम, और फिर इसकी 25 ग्राम है। तो मतलब यह है कि किशोर किशोरियों को भोजन में बहुत अच्छी हमें इसकी पूर्ति करते रहना चाहिए। बात कर लेते हैं आहार व्यवस्था को स्कूल, कॉलेज यानी क्रियाकलापों के अनुरूप है। आहार में ऐसे व्यंजन सम्मिलित किए जाने चाहिए जो शीघ्र बनाए खाए जा सकते हैं, पौष्टिक हो या अनिवक्त कार्यक्रम में व्यवधान ना पहुँचे हो। आहार में किशोरों को पसंद की तुलना भोज्य पदार्थों जैसे सैंडविच, खमन, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, इडली का समावेश किया जा सकता है कि उन्हें घर से बाहर का खाना करने की इच्छा, उनके टिफिन में नित्य प्रतिदिन नए नए पौष्टिक व्यंजन दे जिसके बाहर असुरक्षित भोज्य कम करें।
किशोरों में संवेग अति तीव्र व परिवर्तनशील होते हैं। इसका प्रभाव उसके भोजन संबंधी स्वीकृतता पर पड़ता है। आहार में उसकी मानसिक स्थिति के अनुरूप लचीलापन हो सकता है। घर में सदैव किशोरों की पसंद और पौष्टिकता कुरकुरे स्नैक्स की व्यवस्था, जिससे कि मुख्य भोजन के बीच में खा सके और उसके पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। साथ ही ये व्यवस्था उसकी कार्यप्रणाली के व्यवस्था के अनुकूल भी हो। पर्याप्त दूध, हरी सब्जियाँ किशोरों के लिए कैल्शियम लोह तत्व की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूध व हरे पत्तेदार सब्जियाँ पसंद हो तो उसे अन्य रूप में देखें। दूध, दही, रायता, फल, सब्जी, मिठाई के रूप में भी देख सकते हैं। हरी सब्जियाँ पराठे, सैंडविच, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी। दिन भर में मौसमी फलों का समावेश अवश्य करें। भोजन में रुचि बनाए रखने के लिए रंग रूप का स्वाद का भी सुगंधित विविधता लाना चाहिए। किशोरावस्था में मित्रों के साथ पार्टी, बर्गर वगैरह प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में होने वाली छोटी मोटी पार्टियों का आयोजन पूर्ण मनोयोग घर में ही करें, जिससे कि घर में स्वच्छ और सुरक्षित पौष्टिक आहार मिल सके। किशोरियों के जीवन शैली में देखते हुए संतुलित आहार को ज्ञान होना, भोजन संबंधी आदतों का आना निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए पौष्टिक आवश्यकता पूरा करने के लिए घर में आहार हो हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा जो लेसन हुआ है ये किशोरावस्था का, आप लोग इसको अच्छा सा एंजॉय करें, पढ़ें, ठीक है। पढ़ने की तो बच्चों आवश्यकता है इसी, आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।